तो जब से माइनक्राफ्ट में स्नीफर नाम का मॉब आया है, मैंने आज तक उसे देखा ही नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज उसे फाइंड करने चला जाए। और उसी के साथ साथ मैं तुम लोग को उसको फाइंड करने का प्रोसेस भी बता दूंगा। देखो जो जो सामान चाहिए हमको पहले यहाँ पर तो नहीं मिलेगा वस्तु, तो सबसे पहले मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ हम लोग को मेन चीज क्या चाहिए। तो देखो मेन चीज ये ब्रश है, जिसको बनाने के लिए हमारे पास एक कॉपर होना चाहिए और ये फेदर होना चाहिए और एक स्टिक। तो फेदर और स्टिक तो मुझे मिल जाएंगे, कॉपर को थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बारिश हो रही है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं बस सबसे पहले सो जाता हूँ। लेकिन यार अभी तो नाइट भी नहीं हो रही है। तो देखो हमारे पास क्या क्या सामान है, पहले मैं देख रहा हूँ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे सबसे पहले स्टिक चाहिए और कॉपर। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है मेरे काम का, यहाँ पर तो डायमंड रखे होंगे। तो देखो सबसे पहले हम ये रूम में आते हैं और यहाँ पर मुझे फेदर मिल सकता है इस चेस्ट में, लेकिन यहाँ पर भी फेदर नहीं है यार। देखो हम लोग को फेदर तो मिल चुका है, स्टिक तो आराम से मिल जाएगी, बस मुझे कॉपर चाहिए। मुझे लग नहीं रहा इतनी आसानी से मिलेगा, उसे बहुत ही ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे लगता है वहाँ पर जाना पड़ेगा उस वाले घर में, हो सकता है मुझे यहाँ पर मिल जाए कॉपर। यार यहाँ पर तो कॉपर होना चाहिए यार, कहीं पर कॉपर। यार सारी वुड भरी है, कॉपर कहाँ पर है? यार सारी वुड भरी है, कॉपर किधर पे है? यहाँ पर भी एक रूम है, इधर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता यहाँ पर कॉपर मिल जाए। नहीं यार यहाँ पर तो सिर्फ खाने की चीज है यार। ओ यहाँ पर पड़ा है कॉपर यार, मैं बोल रहा था मेरे पास कॉपर है। जल्दी से हम लोग कॉपर को लेकर चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल के पास। वो हम लोग को ब्रश बनाने के लिए सबसे पहले स्टिक चाहिए। अरे यार स्टिक तो मैं लाया ही नहीं। ओके तो हमें ऐसे रखना है और हमारे पास एक आ चुका है, एक बहुत होगा यार, ज्यादा नहीं चाहिए। तो देखो हमारे पास मेन चीज तो आ चुकी है, अब यहाँ से शुरू होता है गेम, जो कि है सस्पिशियस सैंड फाइंड करना, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर मुझे वो सैंड मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो अगर किस्मत में हुआ तो नहीं मिलेगी, नहीं तो अरे कहना क्या चाहते हो? अगर किस्मत में हुआ तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मुझे बोट बनाने की जरूरत है, इसके लिए मेरे पास लॉग नहीं है। ओके तो थोड़े से लॉग ले लेता हूँ, मुझे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। क्राफ्टिंग टेबल यहीं पर है तो यहीं पर बना लेते हैं, पहले इसके लॉग जाएंगे। ये देखो हमारे पास बोट आ चुकी है। ओके तो हमारे पास सारी सामग्री हो चुकी है और अब चलते हैं उस सस्पिशियस सैंड को फाइंड करने। देखो मुझे दूर के ओशन में जाना पड़ेगा, यहाँ पर ये छोटी मोटी नदियों में यहाँ पर नहीं मिलेगा वो, मुझे ओशन में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ये घोड़ा वगैरह चाहिए। घोड़े पर मैंने सैडल नहीं लगाया, सैडल लगाने जाऊंगा तो और टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं ऊंट को ही लेकर चलता हूँ। अरे यार ये निकल ही नहीं पा रहा है, इसको लीज से निकालना पड़ेगा। आजा आजा ए। अब काम पे जाना है, बैठ मत, उठ जा। ओके तो कैमल पे मैं बैठ चुका हूँ और अभी चलते हैं कैमल को लेकर। कैमल जो है काफी सही है, वैसे तो मुझे कैमल ही सही लगता है हॉर्स से ज्यादा। इतना स्लो तो नहीं भागता यार, ठीक ठाक ही भाग लेता है, उतना स्लो नहीं भागता। ओके तो हम लोग आ चुके हैं ओशन के पास, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ, बांध देते हैं यहाँ पर, बांध देते हैं और उसके बाद हम लोग बोट लेकर यहाँ से निकलते हैं। ओके तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, एंड अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा ओशन, जिसमें मुझे सस्पिशियस सैंड या सस्पिशियस ग्रेवल के पास मिलेगा वो। यहाँ पर नीचे कुछ तो है भाई, यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा। सबसे पहले बोट को लीव करते हैं, एंड यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ। एंड ये देखो यहाँ पर मुझे वो वाली ग्रेवल मिल सकती है, 100% यहाँ पर मुझे वो वाली ग्रेवल मिल सकती है। पर मिल जाता है तो मुझे वो सस्पिशियस वाली ग्रेवल ढूंढनी पड़ेगी, तो ये वाली तो मुझे लग रही है। तो जल्दी से बोट में बैठते हैं, हमें स्नीफर का एक मिल चुका है। ओके तो हमें एक मिल चुका है, ना वापस चलते हैं। अब गाइस पता नहीं उस ग्रेवल में क्या हो रहा था, जब भी मैं उसको रस से कर रहा था तब वो नॉर्मल ग्रेवल हो जा रही थी, इसलिए मैंने दो अंडे क्रिएटिव से ले लिए। हम लोग घर के पास आ गए, इसलिए अब उतर जाते हैं। रात होने वाली है, सारे मॉन्स्टर्स आ जाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी से बोट लेनी पड़ेगी। लेते हैं तो बोट यहाँ पर है, यहाँ पर बोट ले चुका हूँ मैं, एंड जल्दी से ऊपर आते हैं। और मुझे भूख भी लग रही है तो मैं सबसे पहले खाना भी खा लेता हूँ। एंड यहाँ पर मेरा ऊँट बंधा हुआ है, ऊँट को मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पर रस्सी मुझे मिल जाए। चलो ऊँट पर बैठते हैं, निकलते हैं अपने घर के लिए क्योंकि रात हो चुकी है। चलते हैं घर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। ओ भाई यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी आने चालू हो गए हैं, यहाँ पर मुझे यहाँ पर जल्दी सोना पड़ेगा वरना ये लोग आ जाएंगे। दरवाजा खोल के मैं सो जाता हूँ। ओके तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, एंड सबसे पहले देखते हैं हमारा एक काम कर रहा है कि नहीं। चलो नीचे चल के इनके लिए एक अलग सी बढ़िया सी जगह बनाते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले वुड होनी चाहिए, उसके लिए वुड मैं लेकर आता हूँ। मैं इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सा घर बनाऊंगा। देखो ऊँट यहाँ पर यहीं पर रहेगा, ऊँट मेरा कहीं पर नहीं जाता। तो देखो मुझे सबसे पहले वुड चाहिए उनका घर बनाने के लिए। मैं बड़ा से नहीं बनाऊंगा, मैं छोटा सा ही घर बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पर वुड है, एंड मेरे पास थोड़ी सी वुड पहले से भी थी, इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा वुड हो चुकी है मेरे पास। थोड़े से फेंस चाहिए मुझे, इसके लिए मुझे स्टिक चाहिए, तो सबसे पहले स्टिक बनानी पड़ेगी। ओक प्लैंक भी चाहिए मुझे, उनसे स्टिक बना लेते हैं। एंड अब मैं फेंस बना सकता हूँ, तो ढेर सारे फेंस ले लेते हैं। एंड एक फेंस गेट, फेंस बहुत होंगे मेरे ख्याल से। नहीं नहीं और चाहिए मुझे, फिर थोड़े से और वुड ले लेते हैं, और स्टिक ले लेते हैं, अब बना लेते हैं और फेंस।
इतने बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चलो इनके लिए बढ़िया सी जगह ढूंढते हैं। पहले तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपने घर के पास में ही उसे बनाने का। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये सुना है कि अगर हम लोग इनके जगह पर अगर मॉस ब्लॉक लगाते हैं ये लोग जल्दी निकलेंगे, इसलिए सबसे पहले तो मुझे इन जगह को खाली करना पड़ेगा। वाटर बकेट नीचे निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, एंड यहाँ पर पानी गिर देते हैं जिससे कि जगह पूरी साफ हो जाएगी। जगह पूरी साफ हो चुकी है एंड मुझे सबसे पहले अब इनको क्लियर करना पड़ेगा। तो शवल निकाल लेते हैं और इनको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ओके, तो सारा क्लियर हो जाएगा अभी तो, बढ़िया से क्लियर हो चुका है। डमिंग को भर भी देते हैं जो कि जितना गड्ढा हुआ है, नीचे निकालते हैं डर्ट को। एंड यहाँ पर भी गड्ढा है, मैं उन सबको भर देता हूँ। यहाँ पर गड्ढा है, इसे भी भर देते हैं। एंड यहाँ पर सारी कलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो बीच में खाली सा है इसको भी थोड़ा सा मैं। ओके, तो सारा साफ हो चुका है। यहाँ पर तो सही से हुआ ही नहीं, यहाँ पर भी पानी घेर देते हैं। चलो एंड यहाँ से भी पानी उठा लेते हैं। एंड अब लगाना चालू करते हैं सबसे पहले मॉस ब्लॉक। नीचे निकालते हैं मॉस ब्लॉक को, एंड सबसे पहले नीचे का भी मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक ब्लॉक नीचे जाता हूँ एंड एक ब्लॉक और नीचे जाता हूँ एंड अब करूँगा पूरा। बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर अब मुझे मॉस ब्लॉक लगाना है, तो मॉस ब्लॉक नीचे निकाल लेते हैं। एंड अभी यहाँ से मॉस ब्लॉक लगाना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। ओके, तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। एंड अभी मेरे को लास्ट में फेंस लगाना है, तो फेंस निकाल लेते हैं। मुझे लग रहा है फेंस कम पड़ जाएंगे यार। चलो अभी फेंस लेकर आते हैं। 21 फेंस हो चुके हैं मेरे पास जो कि इन होनी चाहिए। एंड अब इन्हें लगाना स्टार्ट करते हैं। वुड को ऊपर करते हैं, इसको नीचे करते हैं। एंड अब मुझे यहाँ पर बस एक फेंस गेट लगाना है। यहाँ पर लग चुका है, आने जाने का रास्ता भी बन चुका है। एंड एक ये फालतू बच चुका है जिस, और अब पहाड़ को भी हम लोग बिल्कुल परफेक्ट शेप दे देते हैं। यहाँ पर इसको भी बिल्कुल हमने अच्छे से कर दिया है। यहाँ पर भी ब्लॉक लगा देते हैं। एंड अब मुझे इनको हैच होने के लिए इसके अंदर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अपने एग को। ओके, तो क्लिक करने पर प्लेस हो गया है। एंड ये हैच भी होने लगा है मेरे ख्याल से। ये वाला हैच होने लगा है, ये वाला हैच क्यों नहीं हो रहा? हैच हो रहा है इधर से, इधर से। ओके, तो अभी हमें बस 5 मिनट का वेट करना है। एंड जब तक ये हैच हो रहा है, मैं तुम लोग को एक मस्त सी चीज दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ बनाया हुआ है एंड यहाँ पर एक फ्लैग भी है हमारे इंडिया का, इसलिए मैं तुम लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही ज्यादा मस्त चीज है। तो यहाँ पर मैंने लीवर क्लिक कर दिया है एंड वहाँ पर देखो भाई साहब, पटाखों की बारिश हो गई है। एंड यहाँ पर मुझे सबसे पहले अभी इसको बंद कर देते हैं। देखा भाई, इतनी मस्त चीज बनाई है ना मैंने। अगर तुम लोग को ये देखना है कि मैंने कैसे बनाया, तो तुम लोग मेरी इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों में लिंक है। अभी नाइट का वेट करते हैं, क्योंकि नाइट में ये और भी मस्त लगता है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। अंडा हैच तो हो रहा है, मुझे ये तो दिख रहा है, लेकिन अभी इसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो देखो, रात हो चुकी है एंड अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कितना ज्यादा मस्त लगता है ये। अब तुम लोग देखोगे ना भाई, बोलोगे कि भाई क्या मस्त चीज बनाई है। देखो, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। राइट हो चुकी है एंड मैं अब तुम लोग को दिखाता हूँ कितना मस्त लगता है। देखो, लीवर मैंने फ्लिक कर दिया एंड इसको बंद कर दिया। अब देखो भाई, ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, क्या ही ओपी लग रहा है भाई। देखो एक बार तुम लोग इसको, एंड तुम लोग क्यों अपना मरवाने आ रहे हो भाई? मुझे को जाने दो, अब बंद करना पड़ेगा। क्या ही पटाखे छूट रहे थे भाई, तुम लोगों ने देखा है? भाई साहब कितना मस्त लग रहा है। अगर ये वाली वीडियो तुम लोगों को देख, तू कहाँ आ रहा है? एंड अब फिर से स्नीफर के एक को देख लेते हैं एक बार। अरे यार, मैंने रेड स्टोन क्यों तोड़ दिया यार, गजब का बैल हूँ मैं। चलो, एक ही रेड स्टोन तोड़ा है, यहाँ पर लगा देते हैं। एंड ये फिर से फिक्स हो चुका है, एक देखना है जो। अरे ये लोग कहाँ से आ गए भाई रेड करने? अभी मैं रेड के लिए नहीं आया भाई, मुझे जल्दी से घर में जाना पड़ेगा भाई। ये लोग रेड करने का आशा कर। नो प्लीज, नो प्लीज। ओ बस, नाइस नाइस नाइस। एंड अब तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, तो मैं तुम लोग को मैं रेड करवाऊंगा ही नहीं, मैं तेरे को मारूंगा ही नहीं। तो इसे बंद करते हैं। एंड अभी मैं सोने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सो जाते हैं। सुराजनी, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, थोड़ा सा बाहर की हाल चाल ले लेते हैं। क्या भैया तेरे क्या हो रहा है? मार मार बेबा, तेरा डायनासोर बना दूंगा मारते मारते। अरे यार, इसने अलग परेशान कर रखा है। जाना पड़ेगा एंड मुझे यहीं से तोड़ लेते हैं, मुझे यहीं से जाना पड़ेगा। चलो इसे वापस भी लगा देते हैं। एंड नीचे क्रीपर भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, मेरी जिंदगी निकल गया। एंड ये रेड वाला फिर से यहीं पर आ रहा होगा। चलो आ चुका हूँ मैं। एंड अभी स्नीपर के एक को देखते हैं जो कि बिल्कुल हैच होने वाला है। थोड़ी देर और रोक के रखना पड़ेगा इन लोगों को। चुपचाप से घर में चलते हैं, उखाड़ ले भाई। स्नीफर का एक हैच हुआ कि नहीं, ये तो अगली वीडियो में ही दिखाऊंगा। इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है पीले जर ने।